मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। मतदाताओं ने पिछली बार कमलनाथ की 15 महीने और शिवराज की 3.5 वर्ष की सरकार को देखा है। उसी आधार पर जनता अपना फैसला सुना सकती है। इस बार जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर होगा, तो वहीं भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए भी ये चुनाव अहम होगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनाव के दौरान दिमनी में वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर पथराव और गोलीबारी हुई है। घटना के बाद सेंटर पर हंगामा मचा हुआ है, जो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आगे आपको ये भी बता दें कि छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक कांग्रेस समर्थक की मौत होने की खबर सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे। विक्रम सिंह का आरोप है कि मौत के बाद भी थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही है।